अच्छे हैं आप बेटा? अब बहुत ढेर से अच्छे। प्रधानमंत्री जी को क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत प्रणाम का जो किया है, बहुत हम लोगों के पीछे बहुत ढेर से मदद किया। मेरे पीएमओ के भी अफसर वहां आकर के बैठे थे, तो जानकारी रहती थी लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में। सत्ता से सवाल में बात आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित सिलक्यारा टनल की। ये वही टनल है जहां पर खुदाई करते हुए 41 मजदूर अचानक से मलबे में दब गए। इन्हें इस टनल से बाहर निकालने का हर संभव प्रयास विदेशी एक्सपर्ट और विदेशी मशीनें करती हुई नजर आई। विदेशों से कई एक्सपर्ट्स को बुलाया गया कि वे इस टनल से इन 41 मजदूरों को बाहर निकाल सके, लेकिन अफसोस हर एक प्रयास यहां पर पूरी तरह से असफल होता हुआ नजर आया। देश की उम्मीदें टूटने ही वाली थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जब वो उम्मीद जागी। उम्मीद थी एक ऐसी किरण को लेकर जिसने सीधे सीधे इन 41 मजदूरों की जिंदगी को फिर से वो उजाला दिखा दिया जो 17 दिन तक अंधेरे में बीत रही थी। और अब इसी रेस्क्यू टीम को भारत सरकार इनाम देने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि लगभग 390 घंटों की जीतोड़ मेहनत के बाद जिस तरह से सिलक्यारा टनल से इन 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया है, वो संघर्ष की कहानी वाकई में आपके रोंगटे खड़े कर देगी कि किस तरह से 17 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद इन 41 मजदूरों को टनल से बाहर निकालने में रेस्क्यू टीम ने सुरक्षा हासिल की है। सबसे पहले दिखाएंगे आपको वो कुछ खास तस्वीरें जब टनल से ये 41 मजदूर बाहर निकलते हैं, किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टनल में फंसे इन मजदूरों से उनका हाल चाल लेते हुए नजर आते हैं। उसके बाद आगे अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने इन मजदूरों को सफलतापूर्वक 28 नवंबर को सिलक्यारा टनल से बाहर निकाला है। सबसे पहले सुनिए पीएम मोदी का वो बयान कि किस तरह से मजदूरों से बातचीत करते हुए नजर आए। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम है आपका? सभामत बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उसको स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुग्रुप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब स्वकुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। आप लोगों ने बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय इन्हें रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी न कभी तो तूतू में हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने इन सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियाँ लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है, जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है।
लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोगों को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अदर अदर स्टेट थे सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं, मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, वेस्ट का वेट 2.5 किलोमीटर हो गया सर, उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंदों से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे हैं पी रहे हैं और तो हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में, बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे, और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में से कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना, अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर जी। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ गब्बर सिंह, नमस्ते। तो देखा आपने और सुना भी कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पल पल का अपडेट पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनसे लेते हुए नजर आ रही थी, और जब ये 41 श्रमिक टनल से बाहर निकल आए तो पीएम मोदी ने खुद उनका हालचाल जाना। अब ऐसे में आपके लिए जानना ये जरूरी है कि जब 27 नवम्बर को विदेशी एक्सपर्ट और विदेशी मशीने पूरी तरह से यहाँ पर असफल होती हुई नजर आई, तो फिर आखिरकार ऐसा क्या किया रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने, जिसके बाद महज 1.5 घंटे की खुदाई के बाद ही इन मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया गया। अब आपको वो विस्तार से बताते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के निर्माणाधीन सिलकियारा टनल धसने के कारण मलबे में फंसे 41 मजदूरों को 28 नवंबर को बाहर निकाल लिया गया। 27 नवंबर को मैनुअल ड्रिलिंग के लिए आए रेट माइनर ने महज 1.5 दिन में खुदाई पूरी कर दी और मजदूरों तक पाइप को पहुंचा दिया, जिसके जरिए एक एक कर सभी 41 मजदूर बाहर निकल आए। फिरोज नासिर नसीम मुन्ना मोनू इरशाद उत्तर प्रदेश झांसी के 12 ऐसे रेट माइनर्स जो 12 नवंबर को उत्तरकाशी में सिलकियारा सुरंग के अंदर फंसे 41 लोगों तक पहुंचने के लिए रास्ता खोजने के लिए 36 घंटे का समय लगा। उन्होंने महज 27 घंटों के भीतर काम पूरा कर लिया, जिससे टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में माननीय भावना की जीत हुई। हालांकि इन नायकों के बीच एक अन्य नायक और भी था, वह था 6 इंच का पाइप, जिसके जरिए 20 नवंबर को मजदूरों को
ठोस भोजन पहुंचाना शुरू हुआ। बचाव कार्य में जुटी टीमों के साथ साथ कम्युनिकेशन शुरू हुआ। इससे सुरंग में फंसे मजदूरों का मनोबल और उत्साह बढ़ गया। इसके अलावा इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में अन्य महत्वपूर्ण कारक था जिससे फंसे हुए मजदूरों को यहां पर निकाला गया, वे था गब्बर सिंह और शबा अहमद। सुरंग के अंदर नेतृत्व की भूमिका निभाई, अन्य श्रमिकों को प्रेरित किया और सुनिश्चित किया कि टीम भावना और मनोबल ऊंचा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 41 मजदूरों से लगभग 15 मिनट फोन पर बात की। इस दौरान गब्बर सिंह और अहमद को बधाई दी, बेस्ट लीडरशिप दिखाने के लिए दोनों की प्रशंसा की। पीएम मोदी ने कहा कि विश्वविद्यालय को आप दोनों गांव के लोगों द्वारा दिखाए गए नेतृत्व पर एक केस स्टडी करनी चाहिए। आपने अपने साथी मजदूरों को प्रेरित किया। गब्बर सिंह और अहमद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि कैसे मजदूर गाने सुनकर योग करके सुरंग के अंदर लंबी सैर करके खुद को व्यस्त रख रहे थे। 12 नवंबर की सुबह जिस तरह से ये 41 मजदूर टनल के अंदर फंस गए और आखिरकार उन्हें निकाल ही लिया गया एक लंबे इंतजार के बाद। जानकारी दे दें, बीते 17 नवंबर को ऑगर मशीन खराब हो जाने के बाद बचाव कार्य में जो झटका लगा वे कम हो गया। अधिकारियों ने विशेषज्ञों की सलाह पर अमल किया और मैनुअल खुदाई करने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत में 12 रेड होल माइनर्स को बुलाया। रेड माइनर्स ने स्पष्ट रूप से काम पूरा करने के लिए 36 घंटे का समय मांगा था, क्योंकि उनमें से दो मैनुअल रूप से ड्रिलिंग की, बाकी रेट माइनर्स ने मलबे को सुरंग से बाहर निकाला और आखिरकार लगभग 1.5 दिन की लंबी खुदाई के बाद टनल का रास्ता साफ हो गया और जिसके बाद शाम 8 बजे सभी श्रमिकों को पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया। जानकारी दे दें कि 25 मिनट के भीतर ही श्रमिकों को बाहर निकाल लिया गया और अब कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार उन सभी को एक बड़ा इनाम देने वाली है। तो देखा आपने कि ये थी इन 41 मजदूरों के साहस और वीरता की कहानी कि किस तरह से इन्होंने 390 घंटे इस टनल में बिताए, जो अपने आप में वाकई सराहनीय है। किस तरह से एक लंबी लड़ाई के बाद टनल से बाहर निकले 41 मजदूरों की अब साहस की चर्चा पूरा देश कर रहा है। आज पूरे देश की निगाहें इन 41 मजदूरों पर है कि किस तरह से वे अपने साहस और वीरता चलते मौत को चुनौती देते हुए आज जिंदगी से नजरें मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।